हेलो गाइस, वेलकम टू एमटी ब्लॉग्स। और रात 2 बज गया है और अभी हम स्टेशन के बाहर लेटे हुए हैं। हम 2 बंदे बाकी लोगों को पहरा दे रहे हैं, हमारा जो सामान है उनको पहरा दे रहा हूँ ताकि कोई उसे चुरा के ले ना जा सके। एक्चुअली हमारे साथ ये हुआ कि हम जब टिकट लेने यहाँ पे आए तो हमें टिकट नहीं मिला, तो हमने काउंटर पे जाके पूछा टिकट कब मिलेगा, तो उन्होंने बोला है कि कल सुबह 8 बजे मिलेगा। मतलब अभी आज सुबह के 8 बजे टिकट मिलेगा हमें, और हमारा ट्रेन है 1:00 PM बजे। तब तक के लिए हम यहाँ बाहर ही रहेंगे। और अभी हम जाग रहे हैं, जो बाकी लोग बाकी साथी अभी सो रहे हैं, जब वो उठेंगे तब हम सोएंगे। ऐसे रोटेशन वाइज चलता रहेगा सुबह तक। और गाइस, पहले रात ये हमेशा याद रहेगा, क्या पता कब कहाँ सोना पड़े। हमने ये कभी नहीं सोचा कि स्टेशन में आकर लाइफ में कभी ऐसा सोना पड़ेगा, लेकिन क्या करना, खुदा का यही मर्जी था तो हमें बाहर सोना पड़ रहा है। एक्चुअली ये भी एक एक्सपीरियंस हुआ है, यहाँ सोने के बाद पता चला है कि जो लोग गरीब होते हैं, जिनके पास कपड़े नहीं होते, उन्हें कितना परेशानी होते हैं। ही एक्सपीरियंस हुआ है कि उनका परेशानी कितना बड़ा है। हम तो आराम से घर में रहते हैं, पूरा ब्लैंकेट हमारे पास रहता है, एक ब्लैंकेट के जगह पे हम 5 ब्लैंकेट एक साथ ओढ़ लेते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद लोगों को देखने के बाद पता चला है कि वो कितने मुसीबत में रहते हैं। एक्चुअली उनको देखने के बाद ऐसा फील होता है कि हम जहाँ आसाम में हमारे गांव में रहते हैं वो जन्नत है। और आसपास का जो नजारा देखा, आते वक्त जो नजारा देखा, वो सब देखने के बाद मुझे दिल से ये फील हुआ है कि हमारा जो टाउन है, गांव है, वो जन्नत ही है।